मुरिया दरबार के आरंभ में माँ दंतेश्वरी माई की जयकारा के साथ आज का मुरिया दरबार आरंभ करें। आप सबसे निवेदन है जोर से जयकारा का नारा लगाएंगे। प्रेम से बोलिए माँ दंतेश्वरी माता की, माँ दंतेश्वरी माता की, माँ दंतेश्वरी माता की, माँ मौली माता की जय माता दी। इस बीच आदरणीय श्री छविंद्र कर्मा जी हमारे बीच पहुंचे हैं, उनका भी इस मंच से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए सबसे पहले हम आमंत्रित करते हैं अध्यक्ष बस्तर दशहरा समिति और सांसद बस्तर माननीय श्री दीपक बैज जी, इसके अलावा बलराम मांझी जी उपाध्यक्ष दशहरा समिति के, अर्जुन मांझी जी प्रभारी मंत्री माननीय श्री कवासी लखमा जी। सभी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का साफा पहनाकर स्वागत करें। सम्मानित विधायक गणों से भी आग्रह करना चाहेंगे कि आप सभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को साफा पहनाकर सम्मानित करने का कष्ट करें। ये हमारे परंपरा है, बस्तर की परंपरा है, माननीय मुख्य अतिथि महोदय का साफा पहनाकर यहां पर स्वागत किया जा रहा है। सांसद बस्तर और अध्यक्ष बस्तर दशहरा समिति माननीय श्री दीपक बैज जी, जिले के प्रभारी मंत्री माननीय श्री कवासी लखमा जी, बलराम मांझी जी उपाध्यक्ष, अर्जुन मांझी जी और सभी विधायकों से मैं आग्रह करना चाहूंगा, सम्मानित विधायक गणों से आग्रह करना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का साफा पहनाकर स्वागत करने का कष्ट करें। इसी क्रम में बुके और माला से स्वागत करेंगे माननीय श्री मोहन मरकाम जी। इसके बाद जिले के प्रभारी मंत्री माननीय श्री कवासी लखमा जी के स्वागत के लिए मैं उपाध्यक्ष श्री बलराम मांझी जी को आमंत्रित करता हूं। आप आए और साफा पहनाकर प्रभारी मंत्री माननीय श्री कवासी लखमा जी का अभिनंदन करने का कष्ट करें। उपाध्यक्ष बस्तर दशहरा समिति श्री बलराम मांझी कृपया आए और माननीय कवासी लखमा जी का स्वागत करने का कष्ट करें। माननीय श्री मोहन मरकाम जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं मंगलू मांझी जी को, कृपया मंगलू मांझी जी आए और माननीय श्री मोहन मरकाम जी का स्वागत करने का कष्ट करें। मंगलू मांझी स्वागत के इस क्रम में आमंत्रित हैं श्री अर्जुन मांझी, आप आए और श्री माननीय श्री लखेश्वर बघेल जी का साफा पहनाकर स्वागत करने का कष्ट करें। माननीय श्री मोहन मरकाम जी, मंगलू मांझी अभिनंदन करते हुए, अर्जुन मांझी जी कृपया आए साफा पहनाकर माननीय श्री लखेश्वर बघेल जी का स्वागत करने का कष्ट करें। श्री त्रिनाथ मांझी जी कृपया आए, श्री त्रिनाथ मांझी जी आए, संसदीय सचिव और विधायक जगदलपुर माननीय श्री रेखचंद जैन जी के स्वागत के लिए आमंत्रित हैं श्री त्रिनाथ मांझी। आमंत्रित हैं श्री प्रेमलाल मांझी जी, आप आए और माननीय श्री चंदन कश्यप जी का स्वागत करने का कष्ट करें साफा पहनाकर। इसी क्रम में आमंत्रित हैं श्रीमती कमला, आप आए और माननीय श्री राजमन बेंजाम जी का स्वागत करने का कष्ट करें। श्री लक्ष्मण कावड़े मांझी जी आमंत्रित हैं, आप आए और श्री विक्रम मंडावी जी का अभिनंदन करने का कष्ट करें। वीरो मांझी जी आमंत्रित हैं आदरणीय श्री मिथिलेश स्वर्णकार जी के स्वागत के लिए। मछुआ संघ के अध्यक्ष माननीय श्री एम आर निषाद जी का स्वागत करेंगे साफा पहनाकर श्री पदम चालकी। धीरज मणि यदि मौजूद हो तो कृपया मंच के समीप आ जाएं और श्रीमती अनीता पोयाम अध्यक्ष जनपद पंचायत जगदलपुर का स्वागत करने का कष्ट करें। श्री कमल चंद भंजदेव जी माटी पुत्र, मैं आग्रह करना चाहूंगा एक बार फिर बलराम मांझी जी आए और माटी पुत्र श्री कमल चंद भंजदेव का अभिनंदन करने का कष्ट करें। उपाध्यक्ष बस्तर दशहरा समिति श्री बलराम मांझी जी आए और श्री कमल चंद भंजदेव जी माटी पुत्र का स्वागत करने का कष्ट करें। महापौर श्रीमती सफीरा साहू जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती कमला को, बुके के द्वारा ये स्वागत यहाँ पर हम कमलचंद भंजदेव जी माटी पुत्र माटी पुजारी का स्वागत बुके के द्वारा यहाँ पर बलराम मांझी जी के द्वारा किया जा रहा है, जोरदार तालियां। श्रीमती सफीरा साहू जी के स्वागत के लिए हम श्रीमती कमला को आमंत्रित करते हैं और श्रीमती कविता साहू जी सभापति के स्वागत के लिए एक बार फिर बलराम मांझी जी आमंत्रित हैं।
शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री राजीव शर्मा जी के स्वागत के लिए मैं बाबूलाल बघेल मुंडाबाजा पोटानार को यहां पर ससम्मान आमंत्रित करता हूं। बाबूलाल बघेल मुंडाबाजा पोटानार श्री राजीव शर्मा जी का स्वागत करेंगे। श्री बलराम मौर्य अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी ग्रामीण, बाबूलाल बघेल से ही आग्रह है कि वो भी श्री बलराम मौर्य जी का स्वागत करने का कष्ट करें। राजीव शर्मा जी का स्वागत करें और श्री बलराम मौर्य जी का स्वागत करें। पदवारिक बनाए थे ना जो मैंने हाईलाइट किया था, होगा निकालो उसको लेके आ जाओ। सविंद कर्मा जी हमारे बीच है, मैं चाहूंगा अर्जुन श्रीवास्तव जी आप उनका भी अभिनंदन करने का कष्ट करें। मंचासीन सभी अतिथियों का साफा पहनाकर बुके के द्वारा स्वागत करने का कष्ट करें। और अब स्वागत संबोधन के लिए ससम्मान आमंत्रित हैं कलेक्टर बस्तर आदरणीय श्री चंदन कुमार सर। मंच पर विराजित आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन एवं विशिष्ट अतिथि माननीय श्री कवासी लखमा जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन व सांसद बस्तर एवं अध्यक्ष बस्तर दशहरा समिति जगदलपुर, सभा की प्रथम पंक्ति में विराजित सभी विधायक गण, गणमान्य विभूतियों और उपस्थित समस्त सुधीजनों को मैं चंदन कुमार कलेक्टर बस्तर सादर स्वागत करता हूँ। सभा में उपस्थित बस्तर दशहरा पर्व के मांझी चालकी मेंबर मेंबरीन चालकी मेंबर विभाग के अधिकारी गण, मीडिया पत्रकार बंधु एवं समस्त नागरिक गण, आप सबका विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर वर्ष 2022 के मुरिया दरबार कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। बस्तर दशहरा पर्व वर्ष 2022 विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी भव्यता पूर्वक मनाया गया। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व पाठ यात्रा रसूम दिनांक 28/7/2022 से प्रारंभ होकर मावली माता जी की डोली की विदाई रसूम दिनांक 11 अक्टूबर 2022 को समापन होगा। बस्तर दशहरा पर्व के सफल संचालन में मांझी चालकी मेंबर मेंबरीन चालकी मेंबर एवं पुजारियों सेवादारों की अहम भूमिका रहती है। ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व के सफल संचालन में जिला प्रशासन व जिला प्रशासन के विभिन्न विभाग जैसे वन विभाग, नगर निगम, पुलिस विभाग, खाद्य विभाग, पीडब्ल्यूडी, पीएचई तथा परिवहन विभाग आदि का शेष योगदान रहा है। बस्तर दशहरा वर्ष 2022 हेतु प्रस्तावित बजट राशि 85,75,500 रुपए मात्र का आवंटन छत्तीसगढ़ शासन से मांग किया गया है, जिसके तारतम्य में अभी तक हमें 35,00,000 रुपए का आवंटन प्राप्त हो भी चुका है। मांझी चालकी चालकी मेंबर काशन देवी, रैला देवी, गरुमाए एवं पूजा संभागों का मानदेय राशि 2022 हेतु 21,07,500 रुपए मात्र एवं पुजारी एवं सेवादारों का वर्ष 2021 का मानदेय राशि 7,29,000 रुपए मात्र छत्तीसगढ़ शासन से प्राप्त हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के बस्तर प्रवास के दौरान बस्तर दशहरा पर्व के मुरिया दरबार कार्यक्रम 28 अक्टूबर 2020 को की गई घोषणा के अनुसार काशनगुड़ी का जीर्णोद्धार एवं रैला देवी माता का परिसर, रोड निर्माण व तहसील परिसर जगदलपुर में मांझी भवन का विस्तार करते हुए उन्नयन किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ शासन का जिला प्रशासन आभार व्यक्त करता है। ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व में पधारे माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन व मंत्रीगण, सांसद बस्तर, विधायक गण, सभा में उपस्थित समस्त मांझी चालकी मेंबर मेंबरीन, मुखिया एवं मीडिया पत्रकार बंधु आदि का साधुवाद प्रकट करता हूं और अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
प्रतिवेदन और स्वागत संबोधन के साथ आप थे जिलाधीश बस्तर। इसके बाद संबोधन के लिए आमंत्रित हैं उपाध्यक्ष बस्तर दशहरा समिति आदरणीय श्री बलराम मांझी जी। बोलिया माँ दंतेश्वरी की, मावली माता की। आज बस्तर दशहरा 75 दिन के जो बोलू मैं जो 2022 हमारे सभी हम जो बस्तर चो छत्तीसगढ़ चो मुखिया भूपेश बघेल जी और हम चो बस्तर जो प्रभारी मंत्री दादा कुवासी लगमा और हम जो बस्तर जो सांसद दशहरा अध्यक्ष दीपक भाई और हम जो सभी विधायक जगदलपुर बीजापुर दंतेवाड़ा कोंडागांव कांकेर और सुकमा जो हम जो मुखिया मन जो बीच में कुछ बात मैं रखे से दशहरा 2022 में अच्छा संपन्न होली। पूरे शासन प्रशासन कलेक्टर साहब आईजी साहब एसपी साहब तहसीलदार पात्र साहब और पूरे मीडिया बंधु पत्रकार साथी इस साल तो दशहरा में बहुत जनता खुश हासोत कई विघ्न बाधा नहीं होली और इस दशहरा में देश विदेश ले दत्त काजे हम जो कलेक्टर साहब सांग दे रहे हो तो एक महिला बुकिंग रैली और ये दशहरा अच्छा संपन्न उन बात 2022 में हम जो इता चो मुखिया मंच बीच में हम जो बस्तर चो मांझी चालकी नेमर नेमरी नाईक पाईक सभी सामाजिक वर्ग चो मिलन बाती एक साथ बस्तर दशहरा जो बना तो काजे आज 2022 में पिछले साल कोरोना कार्यकाल में और अगले और साल रैली इस साल दशहरा अच्छा रैली और कुछ मैं विशेष बात रखे से था हम जो बस्तर समाज में आरक्षण एसटी एससी चो कुछ परसेंट कम होली से उन परसेंट के हम जो विधायक मंत्री मन ध्यान दे दे हम जो पीला कौन स्कूल में जाऊन पर दे 20% होली 12% घटली से थोड़े ध्यान दे और मैं इतनी बोलन बाती हम जो मीडिया बंधु मन के मैं नमस्कार करे से जय जुवार जय छत्तीसगढ़ जय बस्तर। उपाध्यक्ष बस्तर दशहरा समिति श्री बलराम मांझी जी और उसके बाद सम्मान आमंत्रित हैं प्रभारी मंत्री माननीय श्री कवासी लखमा जी। आज हमारे जगदलपुर में पूरा देश में विश्व में प्रसिद्ध सबसे बड़ा दशहरा मनाते हर साल। आज इस कार्यक्रम में मुरिया दरबार में हमारे छत्तीसगढ़ के नेता और छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री किसान मजदूर गोबर खरीदी गोमूत्र खरीदी सभी नेता लोगों को जो नामकरण 75 साल में पहला बार जब तुम्हारा धर्म मारा रोड पैदा तुम्हारा जरा सिरा ये सिरिसार शोक है वो सिरा था उन्हीं का नाम से ये सिरिसार बना है उसका मूर्ति आरावन कोई सरकार कोई मुख्यमंत्री नहीं किया है भूपेश बघेल किया इसके लिए जोरदार ताली बजा के स्वागत करना है। यह हमारे दशहरा कमेटी के अध्यक्ष सांसद जी तमाम विधायक यहाँ के राजा साहब यहाँ के प्रशासन के कलेक्टर कमिश्नर और दशहरा कमेटी के मांझी मुखिया हर साल
ये मुरिया दरबार जब से दसरा मनाते हैं उस कार्यक्रम में हमारा मुख्यमंत्री आया है, पुनः उसको बधाई देते हुए मैं यही कहने चाहता हूं, आज बस्तर को कोई भी आदमी किसी भी समाज का हो, उनके काम पूरा हुआ है। मारा समाज के लोग वर्षों से हमारे उनके अधिकार मांग रहे थे, स्कूल में सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे थे और उनको हमारे छत्तीसगढ़ का सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में उनको दिल्ली में भेजा है। दिल्ली में भी भारत सरकार उनको अपचार किया है। आने वाला समय में मारा समाज को उनको अधिकार मिलेगा और साथ में इस हिंदुस्तान में पहला मुख्यमंत्री होगा यहां के देवगुड़ी बनाने वाला, मारा समाज को 2 करोड़ रुपया देने वाला। हमारे गोंड लोग ज्यादा है, उनके लिए 6.5 करोड़ रुपया दिया, सरू समाज के लिए 4 करोड़ रुपया दिया, बसरा समाज के लिए 1 करोड़ रुपया दिए। इसी प्रकार से कोई भी समाज, चाहे गैर आदिवासी हो, व्यापारी हो, डाकोर हो, दुर्वा हो, इस धरती गुंडा दूर का धरती है, डबरी दूर का धरती है, मैदान से चूरी का धरती है, उनको आगे बढ़ाना का काम अगर कोई किया है भूपेश बघेल ने किया है, भूपेश बघेल का सरकार ने किया है। पिछले 15 साल में बस्तर में विकास नहीं हो रहा था, 15 साल का सरकार, 4 साल का सरकार, कोरोना कारण 2 साल 4 साल में कोरोना हुआ है, उसके बावजूद भी माई दंत चूरी का दसरा लगातार आगे बढ़ा है। इस समय पूरा किसान खुश है, हमारा आदिवासी खुश है, क्योंकि आदिवासी को देवगुड़ी बना रहा है, भगवान भी पानी भी खूब गसर रहा है, देवी बहुत काम का खुश है। चाहे गोटूल हो, चाहे देवगुड़ी हो, समाज की आजादी के लड़ाई में बस्तर के लोग जो भी भागीदारी लिया है उनका नामकरण जत्तुमारा के नाम से, हमारे हाई स्कूल को जत्तुमारा के नाम से हुआ, कॉलेज जत्तुमारा के नाम से हुआ, जो जारा सीरा उनका आज मूर्ति अनावरण हुआ है। इसलिए मैं ज्यादा नहीं करके सब लोग तरफ से, बस्तर के जनता के तरफ से, बस्तर सब लोग के लोग, किसान हो, मजदूर, व्यापारी, पत्रकार, सबके तरफ से मुख्यमंत्री को कोटि कोटि बधाई देता हूं। जय हिंद, जय बस्तर। प्रभारी मंत्री माननीय श्री कवासी लखमा जी, और इसके बाद संबोधन के लिए आमंत्रित हैं अध्यक्ष बस्तर दशहरा समिति और सांसद बस्तर माननीय श्री दीपक बैज जी। आज ऐतिहासिक बस्तर दशहरा किस मुरिया दरबार में उपस्थित हमारे प्रदेश के जन जन के नेता, किसानों के मसीहा, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी, साथ में हमारे इस दरबार में उपस्थित हमारे प्रभारी मंत्री माननीय कवासी लखमा जी, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय मोहन मरकाम जी, और साथ ही वरिष्ठ विधायक प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय लकेश्वर बघेल जी, और भाई साथी विधायक विक्रम मंडावी जी, राजमन बेंजाम जी, रेखचंद जैन जी, और चंदन कश्यप जी, मिथिलेश सोनकर जी, और हमारे निषाद जी, मेयर, सभापति, जनपद अध्यक्ष, और भाई छविंद्र कर्मा, और साथ में हमारे भाई राजू शर्मा जी, और बलराम मौर्य जी, और हमारे उपाध्यक्ष भाई बलराम मांझी जी, और सभी मंचासीन, और हमारे इस बस्तर के
हमारे राज परिवार के सदस्य और इस बसेर बस्तर दशहरा के हमारे पुजारी माननीय भंजदेव जी और साथ ही कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब, एसपी साहब, आईजी साहब, सभी जिला प्रशासन और इस मंच में, इस सभागार में उपस्थित हमारे सभी मांझी, चालकी, पुजारी, मेंबर, मेम्बरीन और सभी दशहरा से जुड़े सभी हमारे सभी सदस्य, सभी साथीगण, मीडिया के साथीगण और अगर किसी के नाम छूट गया होगा, सभी मंचासीन और सभी इस आयोजक समिति, तहसीलदार साहब और सभी, बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए निश्चित रूप से आज हम लोग इस 75 दिन का ऐतिहासिक दशहरा पर्व के इस समापन बेला की ओर है, लेकिन आज पूर्ण रूप से समापन नहीं है, हमारे पास दो कार्यक्रम और शेष है। अभी कल 8 तारीख को कुटुंब जत्रा और 11 तारीख को माता की विदाई। माननीय सीएम साहब, निश्चित रूप से हम लोग का इस समय का दशहरा बड़ा चुनौती था, 75 दिनों का दशहरा हम लोग का हरेली के दिन से शुरुआत होकर 28/7/2022 से शुरुआत होकर 11/10/2022 तक चलेगा और 25 तारीख से कंटिन्यू सभी रस्में विधि विधान यहां पे संचालित है। माई दंतेश्वरी के आशीर्वाद से, उनके सहयोग के बिना किसी भी प्रकार संभव नहीं है, लेकिन इस समय अपार भीड़ अपार जन समर्थन के बाद हम लोग तो पूरे विधायक से लेकर पूरे जिला प्रशासन सब लोग चिंतित थे कि इस समय कोरोना काल के बाद, दो साल कोरोना काल के बाद ये तीसरे साल कि हम लोग इतने ज्यादा अपार भीड़ को कैसे नियंत्रण करेंगे, क्योंकि जब स्टेज से माई जी को मावली प्रगाव के दिन माई जी को लाना होता है तो माई जी को सुरक्षित मंदिर पहुंचाना होता है राजा साथ, हम लोग बड़ा चिंतित थे सब लोग कि कैसे पहुंचा है, लेकिन माता का आशीर्वाद से, जिला प्रशासन के सहयोग से, आपके मार्गदर्शन से इस समय कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। माता जी का डोली को एकदम उतने भीड़ के बावजूद भी सुरक्षित सभी मांझी चालकियों के साथ हम लोगों ने मंदिर तक पहुंचाए और सुरक्षित लाए, निश्चित रूप से कहीं भी किसी को दिक्कत नहीं हुआ, इसके लिए मैं बहुत बहुत जिला प्रशासन सभी लोग को, बस्तर वासियों को बधाई देता हूं। आदरणीय साथियों, माननीय सीएम साहब, पिछले समय कोरोना काल में बहुत से देवी देवता नहीं भी आ पाए थे, लेकिन इस समय लगभग 150 से अधिक नए देव देवतियां मतलब इस समय एंट्री हुए। वो लोग चाहते थे कि बस्तर दशहरा में हम लोग शामिल हो, हमको भी शामिल करना है। हम लोग कतई पे उनको मना नहीं किया, दशहरा आपका है, ये दशहरा देवी देवताओं का है, दशहरा आपके बिना संभव नहीं है, सभी देवी देवता शामिल होना चाहिए, जितने भी बस्तर के देवी देवता नए आना चाहे, हम लोग 150 से अधिक देवी देवताओं को शामिल कर इस समय बस्तर में एक नया कीर्तिमान हम लोगों ने स्थापित किया है। निश्चित रूप से एक बस्तर दशहरा का एक नया चीज हम लोग को देखने को मिला और साथ ही दो साल बाद इस समय हम लोग का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी नहीं हो पाया, हम लोग का मीना बाजार भी बंद था, लेकिन जिला प्रशासन के सहयोग से, कलेक्टर साहब के सहयोग से इस समय हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजन किए। सांस्कृतिक कार्यक्रम में नागपुर से कलाकार आए, आंध्रा से कलाकार आए, तेलंगाना से कलाकार आए, मध्य प्रदेश से कलाकार आए और पूरे छत्तीसगढ़ से, कोने कोने से कलाकार आकर हमारा भारत और छत्तीसगढ़ और हमारा बस्तर की संस्कृति को संजोए रखने का काम किया और लोगों के सामने प्रदर्शित करने का काम किया। निश्चित रूप से बेहद एक खूबसूरत काम हुआ है, ये हमारे इस दशहरा पर्व में एक हमारा प्रमुख कारण है। और हम लोग हमेशा वृक्षारोपण पिछले वर्ष किए थे, इस समय नहीं कर पाए, लेकिन हम लोगों ने तय किया है कि 9 तारीख को फिर हम लोग, जो हर साल हम लोग रथ बनाने के एवज में जो पेड़ की कटाई होता है उसकी क्षतिपूर्ति के रूप में इस समय भी 9 तारीख को हम लोग साल का और अन्य वृक्षारोपण हम लोग करेंगे, हम लोग जिला प्रशासन तय हम लोगों ने किया है। और रही बात, क्योंकि इस दशहरा पर्व में आपने लगातार सहयोग किया, आपके सहयोग के बिना संभव ही नहीं है, क्योंकि वर्तमान स्थिति में इतने महंगाई के समय हर साल 10 से 12-15 लाख रुपए लगातार हर साल बजट बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे दशहरा पर्व में कहीं भी कोई भी रस्म में किसी प्रकार की कटौती नहीं, किसी प्रकार कोई कमी नहीं, दशहरा उत्सव मनाने में कई प्रकार कोई कंजूसी नहीं,
ताकि बस्तर की जनता और माता देवी देवताओं को ध्यान में रखते हुए हम लोग बराबर हर रस्म और नियम हम लोग बराबर कर रहे, कहीं प्रकार कोई कटौती नहीं है। यार रहिवा, आप लगातार हर साल मदद करते हैं हमारा बस्तर दशहरा के लिए, निश्चित रूप से माई दंतेश्वरी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बने रहे और बस्तर की जनता का सहयोग भी आपके ऊपर हमेशा बने रहे। आदरणीय साथियों, हमारे मांझी पालकी मुखिया सभी लोगों का विशेष योगदान रहता है और इस बस्तर दशहरा पर्व में हम लोग इस समय सभी लोग ईमानदारी के साथ दिल जान से जुटकर हम लोगों ने काम किए और इस समापन के अवसर पे आए। निश्चित रूप से आपने बहुत बहुत इस समापन के अवसर पे आए और साथ ही इस समय हम लोगों ने पिछले दो साल पहले आप लोगों ने सभी मांझी चालकी मेंबर मेम्बरेन पुजारी सभी लोग का मानदेय बढ़ाया है। सभी लोग खुश है। इन लोग चाहते हैं कि जिस समय थोड़ा सा हम लोग चर्चा हुआ कि मानदेय बढ़ाने के बाद अपना चाह रहे हैं कि अगले समय 2022 के लिए ये लोग चाह रहे हैं कि नए पोशाक मांग रहे हैं आपसे कि हम लगता है हम लोग मुख्यमंत्री साइड से नया पोशाक पहनेंगे और दशहरा बनाएंगे। हमारे मांझी चालकी मांझर मेंबर मेंबरिन पुजारी सभी लोगों का कहना है तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए मांझी? तो ताली बजाऊं दियास। इसलिए मैं इन लोगों के पोशाक के लिए मैं छोटा सा बस एक मिनट में संक्षिप्त में बात रखते हुए कि हमारे पास मांझी 80 है तो इनके पोशाक के लिए मैं 1,00,000 रुपए के लिए निवेदन करता हूं आपसे। चाल की 25 है, 30,000 रुपए निवेदन कर रहा हूं इनके पोशाक के लिए। मेम्बरिन 8 है, 10,000 रुपए के लिए निवेदन कर रहा हूं। चाल की मेंबर 80 है, 80,000 रुपए की निवेदन कर रहा हूं। मेम्बरिन साधारण सदस्य 50 है, 50,000 रुपए की मैं निवेदन कर रहा हूं। काचन देवी, रेला देवी और गुरुमय ये 10 मेंबर है, हमेशा हम लोग को बोलते रहते हैं तो 10,000 रुपए के आपसे निवेदन करता हूं। कोटी पूजा राजुरवाली भंडारीन देवी 6 सदस्य 6,000 रुपए। मुंडा बाजा 30 सदस्य 30,000 रुपए। पूजा संभाग 10 सदस्य 10,000 रुपए। पुजारी 21 है उनके लिए 25,000 रुपए और सेवादार 21 है 21,000 रुपए। फूल रथ उतारने वाले हमारे महिला सदस्य 2 लोग हैं उनके लिए 5,000 रुपए। फूल रथ खींचने वाले सदस्य टोपी वो लोग करीबन 500 के आसपास सदस्य के रूप में रहते हैं, वो लोग टोपी मांग रहे हैं तो इनको हम लोग 500 सदस्यों के लिए आपसे 20,000 रुपए निवेदन कर रहे हैं। और जो जोगी परिवार हमेशा 9 दिन बैठकर इस बस्तर की आराध्य देवी की तपस्या करते हुए बस्तर की कामना करते हैं 20 सदस्य है उनके लिए 40,000 रुपए। और कारीगर जो रथ बनाने वाले 150 सदस्य है उनके लिए 75,000 रुपए। ये कुल मिलाकर 5,11,000 रुपए आपसे हम लोग पूरे मांझी चालकी मेंबर मेंबरिन सभी लोग ड्रेस के लिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं करबद्ध कि आगामी समय में आने वाला समय में जो 2023-24 का जब दशहरा बनाए तो निश्चित रूप से आपका दिया हुआ ड्रेस पूरे मांझी चालकी सभी लोग पहन के दशहरा बनाए, ये हम लोग सभी लोग का विचार और सोच है। और आपके सरकार रहते हुए हम लोग काचन देवी का जीर्णोद्धार किए बड़े अच्छे से बनाए, रेला माता का जीर्णोद्धार के अच्छे से बनाए, मांझी भवन को विस्तारित के अच्छे से बनाए। हमारे बस्तर दशहरा कमेटी के लिए हम लोगों ने जो जो भी मांगे आप लोग आपने हमेशा देने का काम किया है। निश्चित रूप से मैं बस्तर की जनता की ओर से बस्तर इस दशहरा का अध्यक्ष होने के नाते मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपको और माई दंतेश्वरी हमेशा सुख समृद्धि आपको रखे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपने आए यहां पे बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष बस्तर दशहरा समिति और सांसद बस्तर माननीय श्री दीपक बैज जी दरबार को संबोधित कर रहे थे। इसके बाद से सम्मान आमंत्रित हैं प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन माननीय श्री भूपेश बघेल जी। बोले माँ दंतेश्वरी की। प्रभारी मंत्री आदरणीय कवासी लखमा जी, बस्तरा दशहरा समिति के अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और विधायक कोंडागांव भाई मोहन मरकाम जी,
बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भाई लकेश्वर बघेल जी, भाई रेखचंद जैन जी, राजमन बेंजाम जी, चंदन कश्यप जी, विक्रम मंडावी जी, मिथिलेश स्वर्णकार जी, एम आर निषाद जी, अनीता पयाम जी, कमल चंद भंजदेव जी, श्रीमती सफीरा साहू जी, कविता साहू जी, राजीव शर्मा जी, बलराम मौर्य जी, बलराम माझी जी, मंचस्थ सभी उपस्थित सब साथीगण, सभी हमारे मुरिया दरबार में उपस्थित सभी माझी चालकी मेंबर मेम्बरीन सभी सदस्यगण, हमारे कमिश्नर साहब, आईजी साहब, कलेक्टर, एसपी, नगर निगम कमिश्नर और सभी अधिकारीगण, उपस्थित देवियों सज्जनों और पत्रकार मित्रों, मुरिया दरबार छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और सबसे विश्वसनीय दरबार है। इस दरबार में जो भी फैसला होता है वह जनता का फैसला होता है और जो भी घोषणा की जाती है उस पर अमल किया जाता है। इस दरबार के माध्यम से बस्तर जिले के 173 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत के 89 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। लोकार्पित किए जा रहे कार्यों में की संख्या 22 है और इसकी लागत 77 करोड़ 38 लाख है। 95 करोड़ 90 लाख रुपए लागत के 67 विकास कार्यों के लिए आज भूमि पूजन किया गया। पिछले 4 साल से इस दरबार में मुझे उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। यहाँ पर माझी मुखिया चालकी मेंबर मेम्बरीन लोगों से बस्तर के विकास को लेकर जो चर्चा हुई है उसके अनुरूप हम बस्तर का विकास और उसके लिए योजना और नीतियाँ हमने बनाई हैं। आज बस्तर के जननायक झाड़ा सिराह जी की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। बस्तर के अस्मिता की रक्षा के लिए जननायक झाड़ा सिराह जी के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। मैंने इस मुरिया दरबार में जो घोषणा की उन सभी घोषणाओं को पूरा किया गया। इसी मुरिया दरबार में माझी मुखिया सहित सभी पदाधिकारियों के मानदेय को बढ़ाने की घोषणा मैंने की थी। अभी कुछ शिकायतें आई कि 21 जो पुजारी है उसका भुगतान नहीं हुआ है, लेकिन कलेक्टर साहब ने बताया कि हम लोग स्थानीय तौर पर उसकी व्यवस्था कर रहे हैं और राज्य सरकार से वो राशि अपेक्षित है, वो जल्दी हम उसे पूरा करेंगे। पिछले दिनों भाई लकेश्वर बघेल जी ने अपने यहाँ अपने गांव में बहुत भव्य मंदिर बनाया था और वहाँ जो हमारे पुजारी है, बैगा है, गुनिया है, हाट पहरिया है, बाजा मोहरिया है, उनका एक सम्मेलन हुआ था और तब मैंने घोषणा की थी कि इसके बारे में हम विचार करेंगे और बजट सत्र में विधानसभा में हमने घोषणा की कि इन लोगों को भी 7000 रुपया सालाना मानदेय दिया जाएगा। और मुझे खुशी है कि इस साल करीब जो इनको जो राशि मिलेगी, जिन लोगों को करीब 12000 से भी अधिक लोगों की राशि दी जाएगी जो पूरे बस्तर संभाग से आते हैं, तो बड़ी संख्या में इन लोगों को जो अभी जिस प्रकार से हमारे प्रभारी मंत्री जी ने जो बात कही कि हाँ हमने देवगुड़ी का निर्माण किया, हमने गोटुल का निर्माण किया और हमारे बस्तर के आस्था से जुड़े हुए जितने भी आस्था के केंद्र हैं उसका विकास के काम हमने किया सैकड़ों के तादाद में। हर जिले में देवगुड़ी का निर्माण किया गया, बहुत सारे देवगुड़ी में मुझे खुद भी जाने का अवसर मिला। जब भेंट मुलाकात में गया था तब गंगादेही में सबसे पहले हम लोग वहाँ पूजा अर्चना करके शुरुआत किया था और तब से लेके जितने भी सभी विधानसभा में जाके देवगुड़ी में पूजा अर्चना मैंने की
अब मुझे इस बात की खुशी है कि अभी जो 17 तारीख को हम लोग भुगतान करेंगे, जो किसानों को तीसरा किस्त देने वाले हैं, क्योंकि दीपावली 1 नवंबर को है, तो तीसरा किस्त 17 अक्टूबर को किसानों को, जो भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना के तहत जो जिसके पास जमीन नहीं है उनको, साथ ही ये जितने भी बैगा गुनिया पुजारी हाट पहाड़िया मोहरिया है उनको भी राशि दी जाएगी, साथ ही गोधन न्याय योजना की भी राशि हम लोग देंगे। तो दीपावली 24 अक्टूबर को है, इसलिए इस साल 1 नवंबर के बजाय 17 अक्टूबर को ही इसका वितरण किया जाएगा। बस्तर का दशहरा, केवल बस्तर और छत्तीसगढ़ में इसकी लोकप्रियता नहीं बल्कि देश और दुनिया में इसकी पहचान है। लोग दूर दूर से, देश और दुनिया के बाहर के लोग भी यहाँ बस्तर दशहरा देखने आते हैं। सबसे लंबा बस्तर दशहरा हमारे जगदलपुर में 75 दिन तक ये चलता है और इसका संचालन आप सब मिलके करते हैं। मैं आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। यही हमारी बस्तर की सांस्कृतिक पहचान है और इस पहचान को हम आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है। आदिवासियों के उत्थान और विकास के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। आपको पता ही है कि सबसे पहले लोहांडीगुड़ा में किसानों के जमीन वापसी से हमने इसकी शुरुआत की थी। 1700 किसानों के 2200 एकड़ जमीन हमने वापस किया था और उसके बाद किसानों के ऋण माफी, 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी, फिर तेंदुपत्ता जो 2500 रुपया प्रति मानक बोरा के दर से बिकता था, आज वो 4000 प्रति मानक बोरा के दर से हम खरीदी कर रहे हैं। न केवल तेंदुपत्ता बल्कि इमली, आम, महुआ जो आदिवासी सड़क में फेंक रहे थे पिछले सरकार में, महुआ की कीमत अब 30 रुपया और तो बाजार में अब 40 और 50 रुपये में बिका है। इस साल तो हम लोग नेट लगाए हैं तो इंग्लैंड के व्यापारी इसको खरीद के ले गए 116 रुपये क्विंटल में, तो 116 रुपये किलो में। तो इस प्रकार से जो लघु उपज है उसका वैल्यू एडिशन हम लोग कर रहे हैं। आज लोहांडीगुड़ा में एक इमली प्लांट का भी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, तो वैल्यू एडिशन होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ रेली कुकुन बहुत होता है, रेली कुकुन के संग्रहण और उसका धागाकरण का काम कर रहे हैं ताकि यहाँ के बेटियों को, यहाँ के बहनों को रोजगार मिल सके। तो हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले। अभी कोंडा गांव में राहुल गांधी जी ने भूमि पूजन किया था, अब वो काम चल रहा है, उसे तेजी लाने की आवश्यकता है। जो इथेनॉल प्लांट है वो भी बनेगा, मक्का से इथेनॉल बनाने का काम, ताकि वहाँ जो आदिवासी और किसान लोग जो मक्का बोते हैं उसको सही कीमत मिल सके। उसी प्रकार से कांकेर में आज ही भारत का सबसे बड़ा कोदो कुटकी रागी की जो मिलेट प्लांट है उसकी शुरुआत आज ही करेंगे। कितनी बड़ी बात है कि जो आदिवासी हमारे कोदो कुटकी बोते थे कोई कीमत नहीं मिलता था, समर्थन मूल्य हमने घोषित किया और उसके मिलिंग भी करेंगे और उसके बाद उससे और जो बनने वाली चीज़ें हैं उसका भी निर्माण करेंगे, मध्यान्ह भोजन भी शामिल करेंगे, ताकि जो तत्व हमारे बस्तर के केवल चावल खाने से जो तत्व तो नहीं मिलता बल्कि कोदो कुटकी में जो तत्व होता है वो चावल में नहीं होता, इसलिए मध्यान्ह भोजन में भी इसको शामिल करेंगे। तो कैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, ये हमारी कोशिश हमारी सरकार की। तो इस दिशा में लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। बकावंड में जिस प्रकार से जो 98 में बना था लेकिन काजू का जो प्लांट है वो बंद पड़ा था, हम लोगों ने उसकी शुरुआत की। 300 महिलाएं काम कर रही है, वहाँ की 2 महिला सिंगापुर में जाके बड़े बड़े उद्योगपतियों के बीच में अपनी बात कह के आए। कितनी बड़ी बात है कि हमारी आदिवासी महिला वहाँ जाके अपनी बात कह के आ जाए, जो दुनिया भर के कारपोरेट घराने के लोग आए थे उसके बीच में बात रख के आए। तो उस प्रकार से वैल्यू एडिशन करने का काम और उससे लोगों को रोजगार और आय बढ़ाने का काम बस्तर में लगातार इस प्रकार से काम करने से लोगों के आय में वृद्धि हुई है। और यही कारण है कि मोटरसाइकिल हो, कार हो, ट्रैक्टर हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, अब बस्तर में दिखाई देने लगा है। विकास हुआ, आर्थिक विकास हुआ है, संस्कृति को भी बचाने का काम किए हैं, स्वास्थ्य और
स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम किए हैं। स्वास्थ्य के लिए हाट बाजार क्लिनिक योजना, यहाँ के अस्पतालों में डॉक्टर नर्स स्टाफ की कोई कमी नहीं, यहाँ दवाई भी मुफ्त में मिल रही है, इलाज भी मुफ्त में हो रहा है, जांच भी मुफ्त में कर रहे हैं, तो लगातार उस दिशा में काम। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल बस्तर में सभी विधानसभाओं में गया हूँ, दो ही मांग यहाँ के आदिवासियों ने किया, पहला स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल हमारे यहाँ खुलना चाहिए और दूसरी मांग हमारे यहाँ बैंक खुलना चाहिए। ये बैंक मांगने का मतलब ये है कि अब आदिवासियों के जेब में पैसा आया है, चाहे लघु अनुपज का पैसा हो चाहे खेती किसानी का पैसा हो, वो पैसा पहुंच रहा है, इस कारण से बैंकिंग के लिए जरूरत है और बैंक इसीलिए वो मांग कर रहे हैं और हमने सभी जगह घोषणा की है और बहुत जल्दी सभी जगह उसके ब्रांच खुलेंगे और आदिवासियों को उसकी सुविधा मिलेगी। आदरणीय साथियों, आज पैसा की बात बहुत हो रही थी, पैसा नियम बना नहीं था, इतने लंबे वर्ष 1996 से बना हुआ कानून लेकिन नियम नहीं बना था, उसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। हमारे कैबिनेट ने, हमारे आदिवासी सलाहकार परिषद ने मिलकर ये सब बनाया और आज उसे लागू हमने कर दिया है। अब आवश्यकता इस बात की है, उसे प्रचार करने की जरूरत है, प्रसार करने की जरूरत है, कमेटियां गठन करने की जरूरत है, अधिकारी लोग बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा ये प्रचार प्रसार करने का काम, कमेटियां गठन करने का काम, उसमें तेजी लाएं। एक बात और रह जाती है, अभी जो बात आ रही है कि आरक्षण की बात, आरक्षण की बड़ी चर्चा, आपको याद होगा छत्तीसगढ़ राज्य बना उस समय आदिवासियों की संख्या में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विभाजन के बाद उसमें परिवर्तन आया, पहले 20% हमारा आदिवासियों का प्रतिशत था पूरे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ बना तो हमारे आदिवासियों की जो संख्या है वो 32% हो गया, 32% मिलना चाहिए था, लेकिन 2005 से भारत सरकार के आदेश के बाद भी पिछली सरकार ने उसे दबा कर रखा था, आदिवासी लोग आंदोलन किए तब जाके 2011-12 में उसका प्रकाशन किया गया, 32% तब मिला जब आदिवासी लोग आंदोलन किए और उसमें भी ऐसे इस प्रकार से व्यवस्था कर दी कि उसको आरक्षण को कोर्ट में गए, कोर्ट में स्टे लेके, स्टे लेने के बाद कोई डॉक्यूमेंट, कोई पत्राचार, कमेटी बना दिए, ननकी राम कमेटी में बना दिए, चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बना दिए, लेकिन कमेटी की जो फाइंडिंग्स है, जो रिपोर्ट है, उसे वो हाई कोर्ट में जमा नहीं किए और उसके कारण से हुआ ये कि अब जाके 2022 में उसे निरस्त कर दिया गया। निरस्त करने के बाद स्थिति यथास्थिति करने का आदेश हुआ है। छत्तीसगढ़ वर्तमान सरकार, हमारी सरकार हमेशा, चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे अनुसूचित जनजाति हो, आदिवासी हो, चाहे हमारे अनुसूचित जाति के लोग हों, चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हों, उसके हितों के रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। आज मैं कहना चाहता हूं, इसके लिए जहां आदिवासियों के जो जनसंख्या है, जो बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में व्यवस्था कर दी है, वो आरक्षण मिलके रहेगा। मैं इस मंच के माध्यम से मुरिया दरबार में ये बात कह रहा हूं, कोई बरगलाने के लिए कोई भी बात कहे लेकिन उसमें आने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासियों के साथ खड़ी है, अनुसूचित जाति के लोगों के साथ, पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ खड़ी है, उनके हक के लिए लड़ाई हम लड़ रहे हैं। पिछड़े वर्ग की बात है, पिछले सरकार ने कुछ किया नहीं, अभी हमने जब 27% किया लोग हाई कोर्ट चले गए, अब हम हेड काउंट कर रहे हैं, गिनती कर रहे हैं, बहुत जल्दी वो रिपोर्ट आ जाएगा और रिपोर्ट के आधार पर जिसका जो हक है, जो संविधान में व्यवस्था है, मंडल आयोग की जो सिफारिश है, भारत सरकार ने जो EWS के लिए जो व्यवस्था की है, वो सारी व्यवस्था, सारे आरक्षण, जो अधिकार मिलना चाहिए जिस वर्ग को, उसको देंगे, बात मैं इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं। हम इसमें पीछे हटने वाले नहीं हैं, ये बात हमारे बस्तर के सभी जनप्रतिनिधि बैठे हैं, संगठन के लोग बैठे हैं, हमारे मुरिया दरबार में सारे हमारे माझी चाल की सब बैठे हैं, इसके बीच में ये बात कह रहा हूं। आदरणीय साथियों, कुछ बातें और, भाई लखेश्वर जी ने दो मांगे रखी है, एक तो शासकीय महाविद्यालय तोकापाल का नामकरण शहीद हरचंद नाइक के नाम से करने बाबत,
तो इसके मैं घोषणा करता हूं। और भूमकाल के जननायक शासकीय महाविद्यालय बकावन का नामकरण वीर योद्धा जरकरण भतरा के नाम से, उसके नाम से करने की मैं घोषणा करता हूं। आदरणीय साथियों, ये बस्तर दशहरा हमारे लिए जब भी बैठक होती है बस्तर के विकास के बाद हम सब करते हैं। आज हमारे पास खेती की जमीन है, हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टा दिया, जमीन दिया, उसके जो उपज है उसे खरीदने की व्यवस्था की। अबूझ मार जैसे इलाके में पट्टा देने का काम पहली बार हमारी सरकार ने किया। 5000 लोगों को अभी तक देख चुके हैं, उसे धान भी खरीदेंगे। तो इस प्रकार से जहां जल जंगल जमीन की बात होती है, वो अधिकार देने में हमारी सरकार पीछे नहीं है। नरवा प्रोजेक्ट भी हम चालू किए हैं ताकि हमारे आदिवासियों को सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए, निस्तार के लिए पानी मिल सके। जमीन का अधिकार हम दे रहे हैं, उसी प्रकार जो उपज है उसकी खरीदी की व्यवस्था। अब प्रत्येक विधानसभा में, प्रत्येक ब्लॉक में 2 रीपा का रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हम लगा रहे हैं, ताकि जो लघु उपज है, कृषि उपज है, उसका वैल्यूएशन किया जा सके, लोगों को रोजगार मिले। और उसकी खरीदी की व्यवस्था भी कर रहे हैं, विक्रय की व्यवस्था कर रहे हैं। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के साथ सभी जिलों में सी मार्ट हमने खोला है, ताकि जो उत्पादन हो सी मार्ट के माध्यम से लोग विक्रय कर सके। अब हमारी कोशिश है कि बस्तर का उत्पादन है देश के दूसरे छोर में भी जाना चाहिए, और दुनिया के विभिन्न देशों में भी बस्तर का उत्पाद पहुंचे, ये हमारी कोशिश। तो इस प्रकार से यहाँ जितने भी बातें मैंने कही है उसे हम पूरा करेंगे। और अंत में हमारे अध्यक्ष जी, बस्तर विधायक जी ने कुछ मांग रखी है कि अगले साल हमारे जितने भी पुजारी हैं, मांझी, चालकी, मेंबर, मेमरीन, इन सब के लिए ड्रेस बनाने की बात कही है, और 5,11,000 रुपये की मांग उन्होंने की है। तो इसके मैं घोषणा करता हूँ, स्वेच्छा अनुदान से मैं दूंगा, और अगले साल बढ़िया से यूनिफॉर्म में आप सब दिखेंगे। बस्तर के सभी साथी एक साथ जोरदार दिखेंगे और आएंगे इस बस्तर दशहरा में। इन्हीं शब्दों के साथ मुरिया दरबार में आपने आमंत्रित किया, मुझे सम्मानित किया, पगड़ी पहनाया और अवगत किया, उसके लिए मैं सभी मुरिया दरबार के आयोजक साथियों को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी के ही विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बोलो दंतेश्वरी माई की। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, छत्तीसगढ़ शासन।